फैमिली सभी को नमस्ते, सभी छोटों को ढेर सारा प्यार। ऐसी भी नमस्ते बोल रही है। तो सुबह सुबह देखिए हम क्या स्पेशल डिश बना रहे हैं। तो मम्मी का हाथों का दाल पूरी, मम्मी उधर साइड में बैठे हैं, मुझे सिखा रहे कैसे क्या करना है। थोड़ी देर में आएंगे वो भी, तब तक मैं इधर का तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ भाभी आटा रेडी कर दिए हैं, आटा रेडी है यहाँ पर, सारा कुछ तैयारी किया हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके। तेल गरम, देखिए क्या कुटा रहा है, मिर्चा लहसुन और क्या है, अदरक मिर्चा लहसुन कुटा रहा है। तो स्पेशल सा बनता है, इसलिए मैं मम्मी के हाथों से ही दाल पूड़ी पसंद करती हूँ। तो मम्मी यहाँ लग गई अपने काम में। देखिए दोस्तों, ये है चना दाल, इसे उबाला गया है, हल्का से सॉफ्ट किया गया है, जिससे कि दाल पूड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं जब भी बनाते हूँ उतना टेस्टी नहीं बनता है जितना मम्मी बनाती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उबाला गया है, कुछ भी नहीं डाला गया है, थोड़ा सा शायद भाभी हल्दी डाले हुए हैं, और ताकि इसमें से कलर थोड़ा अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा आप भी उबाल लीजिएगा। आयुषी आ गई मदद करने के लिए। कंटिन्यू आप ब्लॉग में बने रहिए। प्याज को हल्का सा सुनहरा होने तक हम भूनेंगे, डाल देंगे जो मम्मी पेस्ट बनाया है। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें कूटा हुआ सारा सामान डाल देते हैं। इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा बस। तैयार किया हुआ चना दाल अभी हम इसमें डाल देते हैं। ऐसे आवाज क्यों कर रही है? इसे कलछुल से हम इस तरीके से मसल देंगे ताकि एक पेस्ट टाइप से ये बन जाए, हल्का सा ये उसका गोटा भी रखेंगे तब अच्छा लगता खाने। नमक मैंने डाल दिया है। अरे देखिए ये ओखली का जो कूटने वाला है ना, इसी से मैं इसे इस तरीके से कर रही हूँ। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पेस्ट में अच्छे से आ जाए। पूरी पूरी बनाना है ना हमें, इसलिए हल्का हल्का सा गोटा भी रहेगा। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मसल लिया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, पूरी जैसा ये बिला जाएगा। अच्छा से ठंडा हो गया है और मम्मी यहाँ गोल करके भर रहे हैं और यहाँ पे धीमी आंच में हमें फ्राई करना है और रिफाइन का तेल है हम घूम रहे हैं खाने के लिए। बच्चे लोग घूम रहे हैं खाने के लिए। देखिए किस तरीके से मम्मी भर, इसको बेलेंगे क्या थोड़ा? नहीं पूरी का आकार का है। यहाँ पर गोल कर करके हम रख दे रहे हैं, मम्मी जल्दी जल्दी भर लेंगे तो हो जाएगा जल्दी। और जैसे पहले लाया था तो और छोटा हुआ, इसका मुंडी ही वैसा है। तो मुंडी मोजा नहीं दिख रहा है, 50 रुपए लिया है, उससे कम का है। हाँ कम लगता है। देखिए आयुषी भी आ गई है मदद करने के लिए। फोटो नहीं आएगा, बन जाएगा जल्दी। सब कुछ सुबह से बरस कर लिए हैं, भूख लग रहा है। जितने क्या हमने रोने देंगे, किसको रोने देंगे? चलिए हम तेल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2 मिनट तीन बन गया है, तीन से तुम 1 मिनट 2 मिनट मत छीन। देखिए एक छोटा सा लोई हम तेल में गिरा के देखते हैं। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म है, ज्यादा गर्म तेल में नहीं छानेंगे, नहीं तो ऊपर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो हल्का गरम तेल में हमें पूरियों को तलना है। इधर देखिए बन के रेडी है, मम्मी इधर भर रहे हैं।
हाँ और छोटा करो और थोड़ा छोटा करो। देखिए एक बार में हमने तीन डाल दिया है, इसे थोड़ा देर रहने देंगे, तेल के ऊपर आएगी फिर हम इसे पलटेंगे। देखिए आँच एकदम धीमी है, देखिए एक पूरी तेल के ऊपर आ गई है, इसे पलट देते हैं। तेल छिटा पड़ेगा बाबू, हट जा। और पलट पलट के अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद इसमें कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए। तो अभी निकालने का टाइम आ गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए इधर गर्मा गर्म पूरियाँ बनते जा रही है, इधर दो बना है, आधा भैया ले गए टिफिन अभी छोटा रे भैया, तो यहाँ बनते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। आज मम्मी का ड्यूटी छुट्टी है, छुट्टी में भी मैंने ड्यूटी लगा दिया घर में। ब्रश वर्ष करते सारे बच्चे हॉल में खेल रहे हैं, रेडी है। और अभी लक्ष्य बोल रहा है बहुत जोर से भूख लग रहा है, तानी बोल रही भूख लग रहा है, अभी ठंडा होगा तो दे देते हैं उन्हें खाने। सबसे पहले देवता को भोग लगाएंगे, वही लोग तो है ना देवता। यहाँ देखिए बच्चों का ग्रुप आ गया है, प्लेट लेके खड़े, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा रुक जाने, तो बोल रहे नहीं बहुत जोर से भूख लग रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, तो सभी को दे देते हैं अभी, तो खाते रहेंगे वो अपना। प्लेट को धो धो कर रखना, प्लेट को धो धो कर रखना। और ये नहीं कि खत्म हो तो दोबारा आ जाएगा, मतलब छानते छानते खत्म हो जाएगा। देखिए छोटू सा बाबू हाय कर रहा है, आके खत्म हो, मैंने तुम भी ला अपना प्लेट। देखिए आधा आधा खाली हो गया, देखिए। सभी खा रहे, कैसा बना है? बहुत टेस्टी। ये रहा हमारा आज का मम्मी के हाथों का स्पेशल सा रेसिपी, चना दाल पूरी दाल पूरी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये कितना ज्यादा यम्मी बना है, बहुत ज्यादा बच्चों ने तो आप लोगों को बताया है कितना टेस्टी बना है।
लास्ट में थोड़ा सा तेल बचा था इसलिए आपको ऐसे दिखता होगा। चना बढ़िया से नहीं तो फिर चीटी लग जाएगी। पानी ठंडा के ऊपर में रख देते हैं ताकि चीटी नहीं लगेंगे। थोड़ा सा दाल बचा। कैसी लगी आज की ये रेसिपी मम्मी के हाथों का, मैंने आप लोगों से शेयर किया तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा दाल पूड़ी जैसे तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपने जैसे भी बनाए लेकिन माँ का हाथ का स्वाद ही अलग होता है कहते हैं ना, तो बस वही है। तो ऐसे ही हमारा प्यारा प्यारा मायका ब्लॉग अभी आएगा तो आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा अपना और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलती है सुनीता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत जोर से सुनीता लग गई है भूख।